और राजधानी रांची के आपको बताएं कि कई इलाकों में दिवाली के बाजार से पूरा इलाका जो है वो सज चुका है। दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग घरों की सजावट हो या फिर रंगोली बनाने के सामान हो या मिट्टी के बर्तन या फिर दीयों की खरीदारी करते दिख रहे हैं, जिसका जायजा लिया है संवाददाता महक। पूरे देश में रविवार को बहुत ही धूमधाम के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। वही राजधानी रांची के भी बाजार दिवाली को देखते हुए पूरे सज चुके हैं। बाजारों में लोगों की काफी रौनक नजर आ रही है। इसी तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं, लोग दिवाली की खरीदारी करने बाजार निकले हुए हैं और साथ ही दिए माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति भी खरीद रहे हैं। इसी तौर पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है। दीदी उधर बात करेंगे, हमने बात क्या कुछ कहेंगे, क्या खरीदारी कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी और गणेश का प्रतिमा। कैसा लग रहा है बाजार में? काफी रौनक देखी जा रही है। काफी रौनक है। कैसा लग रहा है आपको बाजार देखिए? खुशनुमा माहौल है। क्या खरीदारी कर रहे हैं? लक्ष्मी गणेश लिए हैं और सजावट का सामान लिए हैं। दिवाली दीपों का त्योहार होता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, दीपों का त्यौहार है और उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग दीप से संबंधित सब खरीद रहे हैं। और बाजार में लोगों की काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये इलाका है, हरमू कॉलोनी एक बहुत बड़ा इलाका है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ जो है सो काफ़ी है और ये भी रहेगा। अभी कम से कम एटलीस्ट 2 घंटा और रहेगा। ग्राहकों में तो काफी उमंग देख रही है, देखी जा रही है, लेकिन हम दुकानदारों से भी जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। ये काफी भीड़ तो देखी जा रही है, क्या क्या कहें, कैसा लग रहा है भीड़ देखते? हाँ, भीड़ तो बहुत है, क्या बता देंगे। क्या उम्मीद है? इस बार क्या उम्मीद है दिवाली? क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली की शॉपिंग हो गई, हम दे रहे हैं। किस तरीके से दिवाली मनाएंगे आप? क्या पैसा हुआ? दिवाली कैसे मनाएंगे अपने घर? अच्छे से मनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार काफी बिजी है। दुकानदार को ग्राहक से समय नहीं मिल पा रहा है। क्या उम्मीद है भैया इस बार आपको? अच्छा है, नहीं अच्छा है, हर साल की बात, इस बार भी अच्छी है दिवाली हमारी। कोविड के बाद शायद पहली बार इस तरीके का भीड़ देखी। हाँ, भीड़ बहुत है आज धनतेरस के मौके पे। जिस तरीके से जो उम्मीद था आपको, उससे अच्छा ही है। दिवाली की अच्छी, हाँ अच्छी बिक्री है। तो देख सकते हैं दुकानदार को भी इस दीपावली काफी उम्मीद थी और ये उम्मीद खरी भी उतरी है। क्या खरीदारी करें दिवाली को? मूर्ति, माला, चुन्नी, यही सब। दिवाली के दिन घर पर रंगोली भी बनाई जाती है, जिस तरीके रंगोली की यहाँ पर सामग्री देखी जा रही है। हाँ, मैं तो हर साल बनाती हूँ रंगोली। हाँ, मैं अभी खरीदूंगी, एक्चुअली इतना भीड़ है ना, तो मैं बस अभी बेसिक जो है मैं लेके मैं कल शायद इत्मीनान से आऊँ और वापस से मैं। तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी ये आप बोल के आप मुझे डरा रही हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील है, फेस्टिवल आते ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपने? मैंने मूर्ति ले लिया अभी, मुझे चुन्नी और मुझे माला, अभी ये तीनों लेना है। हैप्पी दिवाली। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक, Live7 रांची। तो राजधानी रांची के तमाम इलाके जो हैं दिवाली के बाजार से सज चुके हैं। हर अलग अलग जगहों पर दिवाली के दिए, पटाखे और अलग अलग लाइट्स देखने को मिल रही है। कुल मिला के बता दें कि राजधानी में दिवाली का जो बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और ऐसे में लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई। हमारे साथ संवाददाता महक जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। महक, किस तरह का माहौल पूरे बाजार में दिवाली को लेकर, किस तरह की चहलकदमी राजधानी रांची में? बोलूँ से पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं। तस्वीर ही देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिवाली को लेकर लोगों के अंदर कितनी उत्साह है, कितना उत्साह नज़र आ रहा है। और ये राजधानी रांची के हरमू इलाके का बाज़ार है, जहाँ दिवाली की बाज़ार में लोगों की रौनक के साथ साथ लोगों की चहल पहल भी देखी जा रही है। मार्केट में आप देख सकते हैं कई तरीके की दिए हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर आए हैं और साथ ही कई ऐसे ऐसे जो घरोंदे भी हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसी तौर पर आप तस्वीर ही देख सकते हैं और इस मार्केट में काफ़ी भीड़ है। हालांकि राजधानी रांची के जितने भी बाज़ार है वहाँ दिवाली को लेकर काफ़ी भीड़ और काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है, देखने को मिल रही है। और साथ ही लोग भी बहुत ही उत्साह के साथ दिवाली की खरीदारी करने जुटे हुए हैं। आप इसी तौर पर भी देख सकते हैं कई
ऐसे आर्टिफिशियल दिए भी हैं और जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई ऐसे दिए हैं जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं और बहुत महंगी भी है। हालांकि इस बार दिवाली की बाज़ार काफ़ी महंगी भी नज़र आ रही है। इसी तौर पर दुकानदार से बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके का बाज़ार है और लोगों की भीड़ कैसी आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा बाज़ार, कैसा है बाज़ार? तो अभी तो कुछ ठंडा है, ठंडा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल बाज़ार खराब है, खराब है, खराब है। कौन कौन सी दिए की मांग है इस बार, लोग क्या मांग ये है? सब तो दिया मांग कर रहे हैं या फिर ऐसे बना? आपको जी नहीं बना हुआ है। कितने समय से पहले आप लोग तैयारी करने में जुट जाते हैं दिवाली? दो चार महीना पहले से। काफी मेहनत करते हैं, तो क्या लगता है इस मेहनत का फल? फल क्या मिलेगा, जो बिका ना तो रखा रहता हम। हालांकि भीड़ तो काफी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ भीड़ है वहीं पे बिक्री आना तो नहीं है। भीड़ तो देखी जा रही है मार्केट में तो। हाँ हाँ। तो जी अमृता, देखा आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार का भी कहना है कि मार्केट हालांकि बहुत सूखा सूखा है मार्केट है, लेकिन फिर भी लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों के अंदर काफी उत्साह है और आपसी तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार भी काफी तैयारी के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रांची के कई ऐसे जो बाजार है वहाँ पर दिवाली को लेकर काफी चहल पहल देखी जा रही है, काफी रौनक नजर आ रही है। और जैसे जैसे शाम होगा वैसे ही लोग अपने घरों से निकलकर दिवाली की खरीदारी करने निकल रहे हैं। इसी तौर पर ग्राहक से भी बात करेंगे, जानेंगे क्या खरीद रहे हैं। क्या बोल, क्या खरीद रहे हैं? दिया खरीद रहे हैं। कौन सा दिया सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? वही तो अभी देख रहे हैं, ये वाला दिया पसंद आ रहा है। देखिए डिजाइन वाला भी दिया पसंद आ रहा है रंगोली के लिए। और क्या क्या खरीद, अभी तो यही अभी आए हैं फिलहाल, अभी तो कुछ अभी खरीदे नहीं है, यही देख रहे हैं। महक आर्टिफिशियल चीजें भी वहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। महक, एक बार उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार दिवाली वो कैसे मनाएंगे, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं दिवाली को लेकर, रंगोली के लिए इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे? बहुत अच्छा से मनाएंगे। और क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं, अलग लग रहा है? देखिए अलग तो कुछ नहीं लग रहा है, दिया है तो अच्छा आइए है। काफी आर्टिफिशियल से बच्चों के घरोंदा कहा जाता है, घरोंदा की विशेष पूजा की जाती है, बच्चे काफी उत्साह के साथ पूजा करते हैं। और यहाँ पे खिलौने भी है, मिट्टी के बने खिलौने भी है। छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा बच्चा हो गया है, इसलिए तो रीति रिवाज है ना कि दिवाली के दिन घरोंदा का पूजा किया जाता है। वही खरीद रहे हैं मैम। तो लोग यहाँ पर खरीदारी करने जुटे हुए हैं, लोग खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग ज्यादातर आर्टिफिशियल जो दिए हैं जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि जो दुकानदार रहते हैं वो कई महीनों से पहले तैयारी में जुट जाते हैं कि उस बार उनकी जो बिक्री है और वो अच्छी हो और जो उनकी जो दिवाली हो वो भी बहुत बेहतर तरीके से मनाया जाए। हालांकि आप तस्वीरें देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर आर्टिफिशियल घरोंदे यहाँ पर दुकानदार जो रहते हैं वो घरोंदा इनके द्वारा बनाया जाता है और काफ़ी महंगे महंगे भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दें कि 400, 500, 1000, 2000 ऐसे रेंज की ये घरोंदे होते हैं। और घर को सजावट की भी सामग्री यहाँ पर बेची जा रही है। हालांकि ये जो पूरा बाजार है वो पूरा रंग बिरंगा नजर आ रहा है, लोगों के अंदर चहल पहल भी देखी जा रही है। इसी तौर पर हम फिर से जुड़ेंगे। मैं कह सकते हैं कि जिस तरह से वोकल फॉर लोकल पे ज्यादा जोर दिया गया है, यहाँ पर स्वदेशी सामानों पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। क्या क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं आप? अभी तो ज्यादा बच्चों के ही शॉपिंग किए कर रहे हैं, वो घरौंदा वगैरह। आर्टिफिशियल खरीदना पसंद कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा ये मिट्टी के कर। और क्या क्या आप कैसे मनाएंगे आप इस बार दिवाली? दिवाली पॉल्यूशन फ्री मनाना चाहेंगे। पॉल्यूशन फ्री? हाँ बिल्कुल। और क्या क्या खरीदा अभी आप? अभी तो पूजा की सामग्रियाँ खरीदे हैं और प्लस ये सब खरीदे और डेकोरेशन आइटम्स लिए। महंगाई कैसा लग रहा है? महंगाई ज्यादा है? महंगाई ठीक ठीक है, मतलब पिछले साल के मुताबिक ठीक है। ठीक है। हाँ अमृता, कुछ लोगों का कहना है कि इस वर्ष काफ़ी महंगाई है, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई नॉर्मल है और लोग इस बार मिट्टी के बर्तन जैसे खिलौने, जिस बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसे ज़्यादा भी पसंद कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए घरोंदे के साथ साथ मिट्टी के बर्तन ले जा रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं एक
ये रंगोली बनाने की जो सामग्री है वो भी यहाँ बेची जा रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि दिवाली के दिन रंगोली बनाना काफी शुभ माना जाता है, रंग बिरंगे यहाँ पर कलरफुल मैं क्या यहाँ पे रंगोली बनाने की सामग्री है। साथ ही बात करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके तरफ से कैसी खरीदारी हो रही है, इस बार बाजार कैसा है, सामान कितने बिक रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वोकल फॉर लोकल का नारा भी काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है बाजार में। लोगों को स्वदेशी सामान ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। जी अमृता, यहाँ वैसे तो मार्केट में चहल पहल देखी जा रही है और लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकल के साथ साथ जो आर्टिफिशियल है वो भी काफी पसंद आ रहा है। क्या कहेंगे चाची, मार्केट कैसा है? बहुत अच्छा है, मगर हम लोग को तो भाव मिल ही नहीं रहा है मार्केट में। दिए पसंद कर रहे हैं, खिलौने पसंद कर रहे हैं, बहुत सारा ग्वालिन है, अच्छे अच्छे कितना आर्टिफिशियल दादी आर्टिफिशियल। हालांकि यहाँ पर दुकानदार भी काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। दादी आर्टिफिशियल दिए पसंद करें या फिर लोकल पसंद करें? हम लोग को लोकल ज्यादा बिक रहा है, और चाइना दिया जो कहते हैं ना वो चाइना ने लाया, हम लोग अपने लोकल बनाए हैं। कितने दिन से तैयारी में जुटे हुए रहते हैं आप? 15 जून के बाद से तैयारी में रहते हैं। मिल रहा है, मेहनत करेंगे तो कुछ तो मिलना ही है, बहुत ज्यादा मिले चाहे कम मिले, हम लोग को उसी से परिवार पोसा जाता है। तो देखा अमृता, लोग हर तरीके के दिए पसंद कर रहे हैं, हर तरीके के खिलौने पसंद कर रहे हैं, और साथ ही आर्टिफिशियल के साथ साथ लोकल जो दिए हैं जो लोग बना रहे हैं उसे भी लोग पसंद कर रहे हैं, और भी ग्राहक उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया? नहीं दिया तो इस बार हम लोग नहीं दिया ही ले रहे हैं, हम लोग मिट्टी वाला ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मिट्टी के भी डिजाइन नहीं, मिट्टी वाला दिया ज्यादा प्रेफर, क्योंकि चाइना का हम लोग पहले से ही छोड़ दिए यूज करना। मिट्टी का इनके लिए भी ज्यादा अच्छा रहता है, हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, नेचर के लिए ज्यादा अच्छा, ये ना धनतेरस मिट्टी वाला ही प्रेफर कर रहे हैं अभी हम लोग। बच्चों के लिए क्या पसंद कर रहे हैं? बच्चों के लिए भी सेम यही, बच्चों के लिए नहीं घरौंदा, अभी बच्चे हैं नहीं, अभी रिसेंटली शादी हुई इसी कारण बच्चे नहीं। पूजा करने की तो विधि तो होती है ना? हाँ, उसके लिए हम लोग लेंगे, वही मिट्टी का ही लेंगे वो। हाँ, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? दिए और मिट्टी के वो जो क्या बोलते हैं कलश हो गए, और वो सब हाथी घोड़े वगैरह। और क्या मार्केट में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है? क्या पसंद आ रहा है? मुझे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है, चारों तरफ दिए है, कलरफुल रंग है, और भी यही सब। और क्या दिए के साथ साथ क्या खरीदारी करें? जैसे घरों घर को सजाने की सामग्री भी यहाँ पर बेची जाती है। सजाने के लिए तो रंगोली वाली कलर लूंगी, और वो जो मोती वाली झालर आती है वो लूंगी, बस यही सब। मिट्टी के खिलौने? हाँ, ये भी लूंगी, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है घर को भरने के लिए। पिछले साल के मुताबिक इस साल बाजार कैसा लग रहा है? महंगा लग रहा? थोड़ा महंगा है, हाँ थोड़ा महंगा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ा तो होगा, और इन लोग के लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत से दिए बनाते हैं फिर उसे सेल करते हैं, तो इन लोग के लिए थोड़ा टफ तो है। तो जी अमृता, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर खरीदारी करने तो निकले हुए हैं, साथ ही कुछ लोगों में महंगाई भी है हालांकि बाजार में, लेकिन लोग समझ दारी के साथ खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर वह का लोगों में उत्साह है दीपावली को लेकर, दीपावली की तैयारियों को लेकर, और ऐसे में कल यानी रविवार को पूरे देश भर में धूमधाम से दिवाली मनाई जानी है, जिसको लेकर लोग जो है तैयारियों में जुट गए हैं। बाजारों में एक रौनक देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। महक एक बार ये पूरे बाजार की तस्वीर दिखाए कि किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, और इस बार जो कम से जाहिर सी बात है कि इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है स्वदेशी उत्पादों पे, ऐसे में जो दिए हैं कितने के मिल रहे हैं, कितने कम के दिए हैं, कितने से शुरू हुई और कितने पे खत्म हुई है, यानी कह सकते हैं कि सबसे कम प्राइस के दिए और सबसे ज्यादा प्राइस के दिए भी मार्केट में मौजूद होते हैं। हर साल बाजार में कुछ नया आता है दिवाली में, तो क्या कुछ आपको यहाँ पर नया दिख रहा है पिछले साल की तुलना में? जी अमृता, देख सकते हैं पिछले साल के मुताबिक इस साल काफी कुछ जो दिए हैं वो काफी कुछ नया नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा कहा तो नहीं जा सकता है कि क्या कुछ नया नजर आ रहा है, हर वर्ष
कुछ ना कुछ नया मार्केट में नजर आता है दिवाली को, और लोगों को काफी लुभा भी रहा है। हालांकि जो दिए है वो आप ये देख सकते हैं, रंगोली के दिए हैं, ये मिट्टी के रंगोली के दिए हैं, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। काफी डिजाइन यहाँ पर दिए हैं, काफी सुंदर यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में लोगों की भी भीड़ यहाँ पर है। उसी तौर पर हम फिर से दुकानदार से जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कह रहे हैं कि लोगों को इस बार कौन सा दिया पसंद आ रहा है और क्या मार्केट कैसा है। इस बार लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है मार्केट? दिया पसंद हो रहा है, खिलौना है, किस तरीके का दिया सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? मिट्टी वाला दिया पसंद हो रहा है, सब मिट्टी के दिया है टोटल। कोई मिट्टी के दिए, लेकिन कई सारे रंगोली दिए हैं। हाँ, रंगोली है, सब मिट्टी का है, बाकी सब मिट्टी का दिया है। बाजार इन साल ठीक है, हर साल से क्या अलग लेकर आए आप लोगों को? अलग वही लेके आए हैं, ये सब है जो हर आइटम है। हाँ, मिट्टी के खिलौने बच्चों के लोगों के साथ साथ बच्चों को भी काफी आकर्षित कर। हाँ, बच्चों का। हाँ, रेट क्या है? हाँ, रेट क्या है, कीमत क्या है? उसका है 220 रुपए। बिल्कुल महका, जो लोग हैं बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दुकानदार हैं, उनके चेहरे पर भी चमक देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार इस बार बड़ा अच्छा जा रहा है, खरीदारी काफी ज्यादा हो रही है, और कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल का जो नारे का असर है वो बाजार में देखने को मिला है। तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महक आपका। तो राजधानी रांची के समेत